तो गाइज आज मैं एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ, मतलब व्लॉग बनाने जा रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एक रेस्टोरेंट का रिव्यू। मैं मतलब पहले कभी यहाँ गई नहीं हूँ और हमारे सारे दोस्तों में से कोई भी यहाँ गया नहीं है, हम सब पहली बार जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे, मैं खुद ब खुद बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन है कि हाँ मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँ और हमारे साथ थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी हो जाए। फाइनली हम रेडी हो गए हैं और आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था पर उसने मुझे सरप्राइज कर दिया, उसने मुझे ये टॉप गिफ्ट कर दिया है। तो हम चलो हम सब निकलते हैं, पांचों निकल रहे हैं हम पांच। गाइस तो फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। गाइस देख लो, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। ये देख लो, ये इस रेस्टोरेंट का नाम ये है पायरेट्स वेज, यहाँ के लोग इसे यही पढ़ते हैं पायरेट्स वेज। तो गाइस हम एंट्री करने जा रहे हैं, हमने यहाँ गाड़ी यहाँ साइड में पार्क कर दी है, ये पार्किंग एरिया है और हम अब यहाँ से एंट्री करने जा रहे हैं। गाइज ये रेस्टोरेंट सूरत में है और सूरत में ये वेसू एरिया में है, वेसू में मगदल्ला रोड पे वैलेंटाइन के बाजू में है। और ये कितना प्यारा व्यू है यार, मतलब मैं पहली बार आई हूँ बट मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। हमने यहाँ एक मोइतो ट्राई किया, यहाँ पे स्मूदी ऑर्डर की थी और स्मूदी की जगह इन्होंने हमें ये मोइतो दे दिया और इन्होंने बोला कि स्मूदी मॉकटेल, पता नहीं क्या मॉकटेल, स्मूदी फ्लेवर का मॉकटेल है ऐसा कुछ करके इन्होंने हमें ये मॉकटेल समा दिया। और टेस्ट इसका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे ऑनेस्टली बता रही हूँ इसका टेस्ट मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, स्मूदी की जगह इन्होंने हमें ये थमा दिया। ये दूसरी, ये क्या ले आए हैं आप? ये फाइनली क्या है? स्मूदी है। तो अब फाइनली हमारी दूसरी स्मूदी आई है, हमने ऑर्डर कुछ और किया था तो तब कुछ और आ चुका था, अब देखो क्या आता है। इस स्मूदी के साथ 500-600 पिक्चर्स क्लिक करने वाले हैं और क्लिक करके उसके बाद फिर स्मूदी का उद्घाटन होगा। ये देखो हमारी स्मूदी की फोटोग्राफी देखो हमारी। तो हम खाने पीने के साथ इस लेवल का कोर्ट मार्शल करते हैं। सोशल मीडिया वाला खाना इस तरीके का होता है देखो। गाइस तो ये स्मूदी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब पहले वाले का टेस्ट तो समझ में नहीं आता पर ऑनेस्टली इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। सो गाइस यहाँ पे प्रिया अपने फोटोशूट के लिए रेडी है, यहाँ पे उसका फोटोशूट चालू है। गोल्डी याद हो शायद आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ, ये मेरी फ्रेंड है, ये बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट है इन्फॉर्मेशन देने में। तो गोल्डी क्या बता रही थी अब बता। तो मैं ये बोल रही थी जोर से नहीं बना है, जोर से और जोर से। ये 5 साल पुराना है भाई, और जोर से ये घुमा रही आपको, ये 5 साल पुराना है। गाइस तो हमने नीचे रिसेप्शन पे पूछा कि ये मतलब कब से बना हुआ है और क्या सीन है क्योंकि हम यहाँ पहली बार आए हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि इस रेस्टोरेंट को बने 5 साल हो गए हैं और यहाँ पे काफी सारी पब्लिक आती है बट वी डोंट नो, तो हमें तो आज ही पता चला है। गाइस तो फाइनली हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया है, एक पिज्जा आ गया और देखो पिज्जा का भी हमारा स्नैप चालू हो गया, वीडियो फोटोज चालू हो गया। गाइस ये पिज्जा तो अच्छा है, नहीं है कहीं तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
शोख। गाइज देखो, हम गाना बजवाने के लिए कितना वेट कर रहे हैं कि बर्थडे पे हम सॉन्ग प्ले करवा दें। तो गाइज इस मामले में ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। गाइज तो फाइनली हमने यहाँ हमारा पूरा टाइम निकाला और काफ़ी हमने यहाँ काफ़ी इन्जॉय कर लिया। और अब ये सनसेट का व्यू तो देख ही सकते हो कितना सही लग रहा है इस जगह पे। इस लोकेशन का ये सनसेट का व्यू बहुत सही है गाइज। तो यहाँ का अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ मैं आप लोगों को, तो लोकेशन तो बहुत ही प्यारा है। आप लोग देख सकते हो ये पीछे सनसेट और ये पानी, मतलब सब कुछ ऑसम है। बट अगर मैं फूड की बात करूँ तो हमने यहाँ पिज़्ज़ा ट्राई किया, हमने मोइतो ट्राई किया और केक्स वगैरह भी यहीं से कट किए हमने। बट उन सब चीज़ों में इतना मज़ा नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, इट वॉज ओके ओके। और मतलब इतना फूड पे वो प्रेशर नहीं दे सकते, ठीक है ओके okay, खाना ठीक ठीक है। बट लोकेशन इज़ वेरी गुड, लोकेशन बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है। और यहाँ की और भी कई बातें बताऊँ तो यहाँ का सबसे, मैं यहीं खड़ी होकर बता रही हूँ, मैं सबसे बुरी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं था, जिससे हमारा पूरा मतलब वो कहते ना माहौल नहीं बन पाया। तो माहौल वाली बातचीत तो आई नहीं, ठीक था बस। मतलब आ सकते हो आप, इन्जॉय तो नहीं कर पाओगे, बस ठीक है थोड़ी देर के लिए आके बैठ सकते हो, पीसफुल है। बट हाँ, ऐसे कुछ इन्जॉय करने जैसा तो नहीं है कि हाँ आप आओ पार्टी करो मस्ती करो नाचो गाओ, वो सब तो नहीं है। आप कि शाम को कैसा लगता है गाइस, ये अंदर से बहुत सुंदर है, बस थोड़ा सा खाने पीने का हमें इशू था, बाकी तो लोकेशन वाइज बहुत प्यारा है। तेरे